एरिया में आया। चलो गाड़ी साहब माशाल्लाह था गाड़ी में थी शांति ना ये रहा इनकी जलो को चले इनको चले जिंदाबाद माशाल्लाह सोच विचार कर ना मतलब कि आज अच्छी अटक कर जी। आज हम गए हुए थे बाग और अभी हमें वापसी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप यहाँ से हम आए हैं वापसी पाई है मेरे साथ और ये इस टाइम जो है ये सामने आप देख सकते हैं ये बरौली है और शमग्रा ये नीचे हेलना ही है ये हेलना है और ये है डल जहाँ पे मेरा स्कूल भी है। सामने ऊपर देख सकते हैं ये मज़ार शरीफ है हमारा ये घर यहाँ पर है हमारा ये हमारा घर है ये सामने ये देखें यहाँ पर मेरा घर है। ये पूरे इलाके हैं बहुत खूबसूरत जगह है। इस टाइम हम यहाँ पर खड़े हैं और बस आज का मैं इतना ब्लॉग आप तक शेयर कर रहा हूँ बाकी इंशाल्लाह आगे का देखेंगे कितना हो सकता है। ठीक है गाँव में याद रखिएगा। वापस पहुँच चुके हैं जी हम अपने स्टॉप पे और इधर से स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं ये देखें आप स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और इस टाइम तक जोर का टाइम हो रहा है और मैं आ चुका अब यहाँ से जो है तो पैदल का रास्ता है मेरा यहाँ से मैं अब बाइक खड़ी करने गया और मैं अब जो है तो पैदल मार्च मेरा शुरू हो गया अब मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा और ये पैदल का रास्ता आप देख सकते हैं यहाँ से चढ़ना पड़ता है ये मेरे घर की तरफ जा रहा है यहाँ से ये बस ये रोड है और ये ऊपर की तरफ थोड़ा घर है। थक चुके हैं जी बाइक पे भी जा रहा थक जाता है बंदा बहुत सख्त मुश्किल रास्ते हैं जिनसे गुजरना पड़ता है और फिर इस मंजिल पे पहुंचना पड़ता है। पूरी तरह से थक चुका हूँ मैं हाय बस अब मेरा घर आने वाला है तो हाय ये देख मेरा घर नज़र आ गया और ये देख सकते हैं ये वाला घर है इसके बराबर वाला भी उसके बराबर अब मैं अपने आज के व्लॉग का यहीं एंड करता हूँ नेक्स्ट कोई नया व्लॉग आप तक लेकर आऊँगा ये आप आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग शरीफ के इलाके में आप विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं आप यहाँ की ब्यूटी ऑफ कश्मीर और मज़ीद वीडियोस आप तक मैं पहुँचाऊँगा। जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा अपनी दुआओं में याद रखिएगा ये दोनों घर हैं हमारे तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।